हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक सर्कुलर रिंग है ऑफ कंडक्टिंग वायर जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर और जिसको चार्ज दिया गया है कैपिटल क्यू। इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है पी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो फ्रेंड्स वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से काम कर सकता है जो ये एडवांस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये इसी तरह का एक रिंग दे रखा है और एक पॉइंट पी है ना जिस पर एक स्मॉल चार्ज रखा है क्यू, और इस पॉइंट पी से ए डिस्टेंस दूरी पर एक एल लेंथ का वायर रखा है जिस पर चार्ज कितना है 2q ये भी प्लस चार्ज है और ये तो प्लस चार्ज है ही। खैर अब हमसे क्या बोला कि इसकी इक्विलिब्रियम लोकेशन फाइंड करो कि कहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद जो पहले पार्ट में ये पूछ लिया, फिर सेकंड पार्ट में पूछा कि अगर इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये ऑसिलेशन करने लगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। और थर्ड पार्ट में उनसे पूछ दिया कि इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो फ्रेंड्स उस केस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको इसका ऐसे क्वेश्चन तुरंत, मतलब ऐसी सिचुएशन डील करने के लिए आपके पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, इनकी नॉलेज आपको अच्छे से हो। अब ये जो फाइनाइट लेंथ का वायर होता है इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। अब अगर आपको ये पता होगा तो आपको इतना तो नहीं कम से कम कैलकुलेट करने पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी होगी। इसी तरह से इस रिंग की वजह से अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है ना तो आप F इज इक्वल टू क्यू लगा के फोर्स कैलकुलेट कर लोगे और फिर F1 और F2 दोनों से इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट कर लोगे। और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करोगे और F = -KX निकालोगे, KX का K उठाओगे और यहाँ पर मान लीजिए जो चार्ज है ये इसका मास भी गिवन होगा अगर ऑसिलेशन की बात करेगा तो, और यहाँ से इसका के उठाओगे और T = 2π√(m/k) से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं इजीली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जे एडवांस के क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई करिए, है ना, अगर आपको आता है तब भी देखिए, नहीं आता है तब भी देखिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो जैसा कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस में करते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेंगे और फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट है ये हम थ्रू आउट कहीं पर भी ले जो डिस्टेंस आएगी वो कांस्टेंट डिस्टेंस आएगी। आप कहीं पर भी लेकर के देखो जो आर की वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट आएगी।
तो फ्रेंड्स हम इसके लिए डायरेक्टली डी ई लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो एलिमेंट है, ये एलिमेंटल चार्ज है डी क्यू, है ना, एलिमेंटल चार्ज है वो डी क्यू है, तो उसके लिए डी ई की वैल्यू क्या होगी, डी ई की वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है ये डिस्टेंस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब ये कॉस थीटा कहाँ से है, तो फ्रेंड्स मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था लेकिन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो डायरेक्टली अवे आएगी, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डायरेक्टली अवे आएगी, है ना, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर एलिमेंट ये है तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डायरेक्टली अवे। और फ्रेंड्स अगर ये एंगल थीटा यहाँ पर बना रहा है, तो ये अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, यहाँ पर भी एंगल थीटा बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाएगी। तो फ्रेंड्स जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाएगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर यही एलिमेंट मैंने, है ना, सिमेट्रिकली डाउनवर्ड लिया होता, है ना, अगर मतलब इसी के सिमेट्री में मैंने नीचे लिया होता एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट्स आते वो एक डी ई कॉस थीटा आता हॉरिजॉन्टल, है ना, और एक डी ई साइन थीटा आता, डी साइन थीटा आता वर्टिकल। तो क्या होता फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, और ऐसा फ्रेंड्स थ्रू आउट होगा। अगर आप यहाँ पर एलिमेंट लोगे और यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो ये जो है इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, इसी तरह से फ्रेंड्स थ्रू आउट होगा, है ना। यहाँ पर लोगे, अगर यहाँ पर लोगे तो यहाँ वाला कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर लोगे तो यहाँ वाला कैंसिल आउट कर देगा, थ्रू आउट सिमेट्री है ना फ्रेंड्स, जो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा डी ई कॉस थीटा। इसीलिए फ्रेंड्स जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहाँ पे हम डी ई को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे डी ई कॉस थीटा को। तो डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे जब इसमें, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये जो आर स्क्वायर है, जो आर स्क्वायर है वो एक कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया कि R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स क्या है, R भी कांस्टेंट है और X भी कांस्टेंट है, तो ये जो स्मॉल r है ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या होगा, K और अपॉन आर स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स R और X कांस्टेंट है, R और X कांस्टेंट है तो ये थीटा भी कांस्टेंट होगा, आर और एक्स कांस्टेंट है और ये स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, के आर स्क्वायर और कॉस थीटा तीनों बाहर आ जाएंगे, तो के कॉस थीटा आर स्क्वायर तीनों बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब फ्रेंड्स बात करें अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इस रिंग का टोटल चार्ज है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जो है इस रिंग का टोटल चार्ज है। तो डी क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, टोटल चार्ज क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या है फ्रेंड्स, कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है आधार, या ऐसे कह लीजिए बेस, डिवाइड बाई हाइपोटेनस, है ना, आधार बटे कर्ण, एक्स बाई आर, और आर क्या है, आर है कैपिटल आर स्क्वायर, रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई नेट, ई नेट क्या हो गया, ई नेट हो गया के क्यू एक्स, है ना,
के क्यू एक्स वाई, ये r की वैल्यू हमने एक बार और पुट, यहाँ पर r स्क्वायर पहले से था, r स्क्वायर पहले से था, तो क्या हुआ r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर और cos थीटा, cos थीटा में एक r और आया, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई टू, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई टू। बात करें फ्रेंड्स, अगर ये तो हो गई, यहाँ पर तो यहाँ पर अपना जो है क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ। हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और कहाँ पर होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से क्या होगी और कहाँ पर होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म्स में करेंगे फ्रेंड्स, क्या वैरी कर सकता है इसमें, केवल x ही तो वैरी करेगा है ना, किस एक्सिस के किसी पॉइंट पर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होगी, तो x ही वैरी करेगा। थीटा और r तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थीटा और r तो हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू हमने इसमें रखी भी नहीं है, इसमें कोई टर्म भी नहीं है उसका, केवल कैपिटल R और x हैं। तो कैपिटल R तो रेडियस है उसकी, उसमें तो कुछ वेरिएशन होना नहीं है, जो भी होना है x में होना है। तो फिलहाल पॉइंट P आगे पीछे जाएगा, तो हम x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dE बाई dx इज इक्वल टू जीरो करेंगे, और यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी, और उस x की वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो dE बाई dx लिखते हैं पहले, तो dE बाई dx क्या होगा फ्रेंड्स, f1 बाई f2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v du है ना, जैसे u बाई वी लिखा है, डी यू बाई वी लिखा है ना, डी एक्स लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, डी यू बाई डी वी का डिफरेंशिएशन होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स का वी स्क्वायर। तो dE by dx करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार तो ये KQ को तो हम बाहर रख दे रहे हैं है ना, KQ कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशिएट करना है x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3 बाई टू। तो x एक बार सबसे पहले तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये v है, ये पहले होल्ड पे चला जाएगा, ये होल्ड पे चला गया, और u को डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हुआ 1 माइनस, अब क्या कर रहे हैं, अब u को होल्ड पे कर ले रहे हैं, u को होल्ड पे कर दिया, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार 3 बाई टू पावर बाहर आ जाएगी है ना, 3 बाई टू पावर बाहर आएगी, और फंक्शन वैसे का वैसा लिख जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर में से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो 3 बाई टू में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई टू, तो 1 बाई टू इंटू अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जीरो, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो 2x, ये ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया। नीचे क्या होगा, नीचे होगा वी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा 3 बाई टू में 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसको हमने कांस्टेंट था, इसको हमने फेंक दिया जीरो के पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्यूब है ना, इसको भी हमने फेंक दिया जीरो के पास, हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला x और ये वाला x मिलके एक्स स्क्वायर, और ये 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर, और ये क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई टू। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई टू कॉमन लेंगे है ना,
तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, वन इसमें 3/2 में से 1/2 कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस ये 3x स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव है तो इसको भी जीरो के पास फेंक दिया, तो अपने पास क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। अगर हम x इजिकल टू आर बाई रूट टू पर हम बात करें, x इजिकल टू है ना आर बाई रूट टू पर बात करें, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं ई नेट में, के क्यू एक्स था, x की जगह पर आर बाई रूट टू पुट कर दिया, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो आर बाई रूट टू पुट किया, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई 2। ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 3/2 इंटू आर स्क्वायर, 3/2 इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 आर स्क्वायर को, और ये 3/2 को 1/2 की पावर अंदर ले आए तो ये रूट बन गई, तो 3r² / 2 है ना का रूट और बाहर क्यूब और ऊपर के क्यू बाई आर और रूट 2। इसको अभी वैसे लिखा रहने देते हैं, के क्यू आर बाई रूट 2 लिखा रहने दिया। इसको नीचे वाले को क्या किया, ये आर स्क्वायर रूट टू को चीर के बाहर आ जाएगा तो और पावर कितनी ले लेगा, क्यूब, तो ये हो गया क्यूब। ये क्या था, ये 3 की पावर 1/2 इंटू 3 है ना, 3 की पावर 1/2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 1 प्लस 1/2 है ना, इसको 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3। इसी तरह से 2 को 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा, 3√3 और ये एक आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2, तो 3√3r² 2k³। ये आ गई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि माइनस आर बाई रूट टू पे की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। माइनस आर बाई रूट टू पे निकालोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी और कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ और कोई चेंज नहीं आएगा। और फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी डायरेक्शन, वो ये तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू दे रहा है, वो माइनस जो है माइनस आर बाई रूट टू पे माइनस क्या बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वाली डायरेक्शन पर वैल्यू देगा, और उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 2k³/3√3r² बस आगे माइनस लगा होगा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही था, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।